Good morning, student. Today we will start our new exercise of chapter fraction, exercise 7.7. इस exercise में हमने करेंगे ascending order और descending order. तो ascending order करेंगे अब पहले मैं notebook में शुरू करते हैं. तो ascending order में हमने क्या करना है, सबसे पहले देखना है denominator. denominator क्या होता है, नीचे वाला. अगर डिनोमिनेटर हमारा सेम है, जैसे यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर से देखेंगे, ऊपर वाले सबसे छोटा कौन सा है, 5, 2, 8 और 3. तो 8 सबसे छोटा 2 है, तो 2/11, देन 3/11. असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से लेके बड़े तक, 5/11, देन सबसे बड़ा 8/11. तो ये असेंडिंग ऑर्डर था फ्रैक्शन में, जिसका डिनोमिनेटर हमें सेम दिया हो. सेकंड भी ऐसे है, डिनोमिनेटर सेम है तो अब सबसे पहले सबसे छोटा लिख देंगे, 1/9, देन 2/9, 4/9 एंड 7/9. तो डिनोमिनेटर दिया था हमें सेम, ऊपर वाला न्यूमिनेटर को हमने सबसे छोटा देखा 1, तो 1/9, 2, 2/9, 4/9 एंड 7/9. ये तो था जिस केस में हमें डिनोमिनेटर सेम दिया हो. आगे जो थर्ड क्वेश्चन है, उसने हमें डिनोमिनेटर सेम नहीं दिया हुआ, न्यूमिनेटर सेम दिया. तो हमने तो डिनोमिनेटर सेम देखना था. अगर हमें डिनोमिनेटर सेम नहीं दिया होता तो हम उसका अपोजिट करते हैं. अपोजिट मीन, अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर दिया है तो हम उसे लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा देखते थे, तो अब हम सबसे पहले सबसे बड़ा देखेंगे. अपोजिट करना है ना, तो इन सब में सबसे बड़ा क्या है, 17. तो 8/17, देन 15, 8/15, देन 13, 8/13, 8/11 एंड 8/9. ठीक है, कर हम असेंडिंग ऑर्डर रही हैं. जब हमें डिनोमिनेटर सेम नहीं दिया होगा, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाली वैल्यूज अगर सेम नहीं है, तो उस केस में हम अपोजिट करते हैं. असेंडिंग ऑर्डर को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. अगर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर करना था तो हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे. ठीक है, अब दोबारा से हमें असेंडिंग ऑर्डर में डिनोमिनेटर सेम दिया है, तो हम असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखेंगे. सबसे छोटा है 1, 3, 3/8, 5/8 एंड 7/8. ठीक है, आगे है नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो कैसे करेंगे. सबसे पहले सबसे छोटा 1/19, 1 छोटा था, देन उसके बाद 7/19, देन 12/19 एंड लास्ट में सबसे बड़ा 24/19. ठीक है, ये था हमें जब डिनोमिनेटर सेम दिया हो. अब यहाँ पे फिर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे. असेंडिंग ऑर्डर का अपोजिट डिसेंडिंग ऑर्डर. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा लिखते हैं, तो 11 सबसे बड़ा है, तो 4/11, फिर 4/9, फिर 4/7, देन 4/5. था ये असेंडिंग ऑर्डर, बट इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं था, इसे हमने सबसे पहले सबसे बड़ा लिखा. ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर बी, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे बड़े से लेके सबसे छोटे तक. तो हमें सबसे पहले इसमें भी यही देखना है कि हमें डिनोमिनेटर जो दिया है वो सेम है कि नहीं. तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम है, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा. तो सबसे बड़ा था 9, तो 9/15, देन कोमा 8/15, उसके बाद था 2, 2/15, देन सबसे छोटा 1/15. ठीक है, ये था डिसेंडिंग ऑर्डर जिसमें हमें डिनोमिनेटर दिया हो, तो उसमें हम सबसे पहले सबसे बड़ा लिखेंगे ऊपर से, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा. आगे हमें फिर डिनोमिनेटर सेम दिया है, तो फिर इसमें भी ऐसे होगा, सबसे पहले सबसे बड़ा, क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं. तो सबसे बड़ा क्या था, 10, 10/25, 9/25, 2/25, देन लास्ट में सबसे छोटा 1/25. ठीक है, यहाँ पे भी हमें डिनोमिनेटर सेम दिया, सबके पास 17 है, तो इसमें भी हम कैसे करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा देखेंगे क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं. सबसे बड़ा ऊपर है 15, 15/17, देन 11/17,
देन 8/17, सबसे लास्ट में सबसे छोटा 2/17। ठीक है, ये था डिसेंडिंग ऑर्डर जब हमें डिनोमिनेटर सेम दिया हो। अब इधर देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है, नीचे वाली वैल्यू सेम है, नहीं है, तो ये हम क्या करेंगे, अपोजिट। अपोजिट क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर का अपोजिट असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं सबसे छोटा, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 7। तो 4 ऊपर था, 4/7, 4 न्यूमिनेटर था ना, वो तो पहले लिखते हैं। देन उसके बाद था 9, तो 4/9, 4/11, 4/13। ठीक है, कर हम डिसेंडिंग ऑर्डर रहे हैं, बट हमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम नहीं दिया था, तो हमने क्या किया है, सबसे पहले सबसे छोटा लिखा है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, इसके न्यूमिनेटर भी सेम नहीं है, इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे छोटा, क्योंकि हम कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हम उससे पहले डिनोमिनेटर सेम नहीं था इसलिए सबसे पहले सबसे छोटा। 1/3, 1/5, 1/6, 1/7। ठीक है, आगे यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, अपोजिट कर देते हैं ना, डिसेंडिंग ऑर्डर का अपोजिट है असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा क्या है यहाँ पे, 7, 2/7, 2/10, 2/11, 2/13, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम नहीं था, तो इसलिए हमने क्या किया, सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू लिखी। ठीक है, ये हमने एक्सरसाइज 7.7 में क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।